फैसल पर सीओडी ब्रिज के नजदीक पीपल्स पार्टी के दहशतगर्दों ने अंधाधुंध फायरिंग की। जमहूरियत, इंसानी हुकूक और हुकूक नस्वा की चैंपियन पीपल्स पार्टी की मरकजी सेक्रेटरी इतलात और एमएनए शहरी रहमान की गाड़ी से एमपीएम की रैली पर फायरिंग की गई, जिसे वो खुद चला रही थी। पीपल्स पार्टी के दहशतगर्दों का फायरिंग के दौरान सुकून और इत्मीनान साबित करता है कि वो हमले की गरज से उस रोज शहर में निकले थे और वही हमलावर थे। शाहराह फैसल पर जब पीपल्स पार्टी के दहशतगर्द फायरिंग करने के बाद फरार हुए, तो वहां छोड़ गए एमपीएम के कारकुन और औरंगी टाउन के रिहायशी असलम परवेज को, जिन्हें इंतहाई करीब से चनपटी के पास गोली मारकर शरीर जख्मी किया गया था और जो अस्पताल पहुंचने से कबल ही ज्यादा हो गए। शाहराह फैसल पर आयशा बाबानी कॉलेज के सामने एफटीसी के नजदीक एमक्यूएम के कारकुनान पर पीपुल्स पार्टी और दीगर जमातों के दहशतगर्दों ने मोर्चा बंद होकर इंतहाई महारत के साथ फायरिंग की।
अफगानिस्तान में कराची का पीछा नहीं छोड़ेंगे। तुमको नहीं लग गया, तुम इधर हो जा, साइड में हो जा। डेढ़ बार मारा आप इधर हो जाओ, अब इधर हो जाओ, हम साइड में हो जाओ, आप लोग साइड में हो जाओ। आप बैठे हो इसमें, साइकिल वाले साइकिल वाले कहाँ जाए, साइड वाले आप पीछे हो जाओ। मई 2007 को शहर कराची में अमन पसंदी के नाम नेहाद दावेदारों ने जिस तरह जदीद तरीन असलहे की खुली नुमाइश की और शहर की नौ तामीर शुदा सड़कों, ट्रैफिक सिग्नलों, साइन बोर्डों और दीगर इमलाक को तोड़ फोड़ का निशाना बनाया उस सब के सामने। पीपल्स पार्टी के दहशतगर्दों ने पीपल्स पार्टी कराची के सेक्रेटरी इतलात और सिटी काउंसिल में अपोजिशन लीडर सईद गनी की सरबराही में एमक्यूएम के कारकुनान को जिना हॉस्पिटल में बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया। बहीमाना अमल में बाद में इस्लामी जमीयत तलबा के गुंडा नासिर भी शामिल हो गए, जिन्होंने साथ ही साथ कानून नाफिज करने वाले इदारों को भी सदोकोफ किया। पार्टी और दीगर जमातों के दहशतगर्दों ने एमक्यूएम के कारकुनान की अमलाक को 12 मई के रोज तोड़ फोड़ का निशाना बनाया और नजरे आतिश किया। उसी रोज एमक्यूएम फेडरल बीएरिया के एक कारकुन की गाड़ी AC-1660 को दहशतगर्दों ने जहां तोड़ फोड़ का निशाना बनाया, वहीं पीपुल्स पार्टी के दहशतगर्दों ने उस गाड़ी पर अपना झंडा डालकर दुनिया में ये साबित करने की कोशिश की कि ये गाड़ी पीपुल्स पार्टी के किसी कारकुन और उनके शर्मनाक अमल को दुनिया भर ने देखा।